नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS Digitals में। जैसा कि आपको पता है कि संबल पोर्टल का जो 2.0 है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आप फिर से संबल कार्ड बना सकते हैं, लेकिन कई लोगों को संबल कार्ड का पता ही नहीं कि किसको बनाना है, किसे नहीं बनाना है। कई लोग सोचते हैं कि हमारा कार्ड तो बना हुआ है, हम क्यों बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या रिजेक्ट हो गया है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपका कार्ड रिजेक्ट हुआ है या फिर अभी वैलिड है। ये देखने का तरीका भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जिस पर भी आप वर्क करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको गूगल दिखाई देता है, या फिर आप कंप्यूटर पर गूगल ओपन कर लीजिए। और इस तरह से जब आप गूगल ओपन कर लेंगे तो गूगल पर आपको सर्च करना है संबल SAMBAL। जैसे ही आप संबल लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने ये लिंक आएगी, आपके सामने संबल पोर्टल, जनकल्याण पोर्टल, श्रमिक सेवा पोर्टल का श्रमिकसेवा.mp.gov.in। तो आपको क्या करना है, श्रमिकसेवा.mp.gov.in इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ से तो आप नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कार्ड बन चुका है या नहीं बना है। साथ ही यदि आपका कार्ड पहले बना है तो वो कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यदि रिजेक्ट हो गया तभी आप यहाँ के दोबारा आवेदन कर लीजिए। पता चल रहा है आपका कार्ड रिजेक्ट हो गया और आप सोच रहे थे मेरा कार्ड तो बना हुआ है और बढ़िया, आप दोबारा बना ही नहीं रहे। तो आपको यदि कार्ड रिजेक्ट हो गया है किसी कारणवश, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट जमा ना हुए हों या और भी कोई कारण हो सकता है, और आप एलिजिबल हो तो आप यहां से अप्लाई करके अभी कार्ड बना सकते हैं। लेकिन कार्ड बनाने के पहले आप पता कर लें कि आपका जो कार्ड है वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो उसे देखने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर देखिए हितग्राही डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहां पर आपको क्या करना है, आपकी 9 अंकों की जो समग्र आईडी है, जो आपकी समग्र जो स्लिप होती है, समग्र स्लिप, उसमें जो आपके नाम के आगे जो एक आईडी लिखी रहती है वही आपकी एक 9 अंकों की समग्र आईडी होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ फैमिली आईडी नहीं लिखना है, आपको आपकी समग्र आईडी लिखना है। तो आपकी समग्र आईडी जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक स्टेटस चेक करके। देखिए ये एक समग्र आईडी है, इस समग्र आईडी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। और अब हम डैशबोर्ड देखें, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कोई भी अपनी समग्र आईडी डालेंगे यहाँ पर और डैशबोर्ड देखें पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा एक पब्लिक रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इसमें आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे, यहाँ पर आपके सामने देखिए ये एक पब्लिक रिपोर्ट आएगी। और यहाँ पब्लिक रिपोर्ट में आपको यहाँ आपका सारा डिटेल दिखाई देगा, आपका नाम वगैरह जो भी है डिटेल दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारी चीज़ें, एड्रेस भी दिखाई देगा आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपने कब आवेदन किया वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी सत्यापन की तिथि, तो आपका जो कार्ड है यहाँ पर सत्यापन की तिथि में जब आप देखेंगे तो पात्र है दिखाता है। इसका मतलब आपका कार्ड अभी चालू है, आपको दोबारा कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा संबल 2.0 पे आपको कार्ड नहीं बनाना है। कई लोगों का अभी क्वेश्चन है कि क्या हमको फिर से बनाना होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको यहाँ पर दोबारा कार्ड नहीं बनाना है। ये तो पहली चीज़ हो गई कि आपका कार्ड यदि बना हुआ है तो यहाँ दिखा देगा। अभी मान लीजिए कार्ड नहीं बना हुआ है तो कैसा दिखाएगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक नई आईडी आपको डालकर दिखाते हैं, एक और आप समग्र आईडी ले रहे हैं हम, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपका कार्ड नहीं बना है तो आपको कैसा दिखाई देगा डैशबोर्ड में। ये हमने एक समग्र आईडी लिख ली है और अब हम डैशबोर्ड देखें, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सारा डिटेल तो आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके द्वारा चुने गए सदस्य का संबल हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा यदि दिखाई देता है तो आपको यहाँ पर अपना जो 2.0 है उससे यहाँ पर अपना कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। तो ये एक तरीका हो गया आपका चेक करने का कि यदि आपका कार्ड नहीं बना है तो कैसा दिखाई देगा। ये देख लीजिए आप, इस तरह से दिखाई देगा। तो आप यहाँ से अभी अप्लाई कर सकते हैं दूसरे 2.0 में नया संबल कार्ड के लिए। तीसरा तरीका, यदि आपका कार्ड बना हुआ है और वो रिजेक्ट हो गया है तो वो आप कैसे चेक करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका इसमें आपको हम दिखाते हैं कि ये एक और समग्र आईडी ले ले रहे हैं हम, यहाँ पर सदस्य आईडी ले रहे हैं हम। देखिए फैमिली आईडी नहीं ले रहे हैं यहाँ किसी के भी, सबकी समग्र सदस्य आईडी ही आपको लेना है। आप जिसका भी चेक करना चाहते हैं, खुद का चेक करना चाहते हैं तो आप खुद का भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक ये समग्र आईडी ले लिया और अब हम डैशबोर्ड देखें, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अब आपके सामने यहाँ पर फिर से एक समग्र आईडी हमने लिया था, तो उसमें हमने आपको पहले में दिखाया कि आप पात्र हैं, दूसरे में दिखाया कि आपका बना ही नहीं है, अभी तीसरे में बना तो था लेकिन अपात्र हो गया। तो वो कैसे हो गया, यहाँ पर ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन की डेट दिखा रही है आपको। इसके बाद सत्यापन की स्थिति, यहाँ पर लिखा है अपात्र हैं, मूलतः आवेदन उपलब्ध नहीं है।
इसका मतलब यह है कि इनका कार्ड बना तो था लेकिन इनका वहाँ पर आवेदन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनके कार्ड को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी कार्ड रिजेक्ट हो गया है तो इनको दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका कार्ड रिजेक्ट हुआ है तो आप दोबारा बना लें। दूसरा तरीका, यदि नहीं बना है तो बना सकते हैं आप। यदि ऑलरेडी आपका कार्ड बना हुआ है तो आपको दोबारा पोर्टल से, जो 2.0 पोर्टल स्टार्ट हुआ है, उससे ऑनलाइन कार्ड नहीं बनाना है। हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।